दोस्तों आज जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये हो रहा है बनारस में और मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड करने। और इस टाइम यूपी गवर्नमेंट ने 3 दिनों के लिए पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया है, उसके बीच में भी हम ये वीडियो शूट कर पा रहे हैं। रीजन ये है कि यहाँ पर जिस कंपनी में मैं आया हूँ, जिसके जरिए आप आज इस बिजनेस के बारे में जानने वाले हो, ये बिजनेस चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे संपूर्ण लॉकडाउन हो जाए, चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना से 10 गुना बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये बंद नहीं हो सकता। ये एक ऐसा आइटम है जो कि हर किसी का रेगुलर यूज में है, हर किसी का डिमांड है। और यकीन मानिए अगर आप इस व्यापार को आज शुरू करते हो, पूरी पूरी गारंटी है आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि आपके आपको काम कुछ नहीं करना है, बस पूरा मैनेजमेंट करना है। आपके लिए एक बंदा काम करेगा जो मार्केट में जाके सारा काम करेगा, आपको बैठकर अपने फोन में बस चीजों को कैलकुलेट करना है। और महीने का बाकी लोग जिस तरीके से लॉकडाउन के टाइम में 1-1 लाख रुपए महीना कमाए हैं, आपको भी उस सुनहरा मौका मिल सकता है इस कंपनी के साथ जुड़ के पैसा कमाने का। सो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल माय हिंदी एडवाइस में। और चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इस बिजनेस के बारे में। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। लॉकडाउन के बीच में आप हमारे साथ आए हैं, मैं चाहूंगा अपना गुड नेम बताओ और अपने कंपनी के बारे में बताओ। मेरा नाम अविनाश सिंह है और मेरी कंपनी का नाम ब्रेनजू ऑनलाइन सर्विसेज है। ठीक है अविनाश जी, ये बताइए आप मुझे कि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, जहां पर एक तरफ बाकी लोग बेरोजगार हुए, बाकी लोगों का काम धंधा रुक गया, क्या लॉकडाउन का आपके बिजनेस पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं सर, देखिए हमारे बिजनेस पर लॉकडाउन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बिजनेस के लिए लॉकडाउन में भी छूट दी थी। छूट दी हुई थी। और जो लोग आपके साथ जुड़कर अलग अलग शहर से व्यापार में जुड़े थे, गाँव से थे, क्या उनको उनका आमदनी कम हुआ? नहीं, इस लॉकडाउन में और उनका बेनिफिट ज्यादा हुआ है। बेनिफिट ज्यादा हुआ है, बिल्कुल। गाइस आप देख रहे हो लॉकडाउन के टाइम में आज लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, सेफ्टी रखना चाहते हैं, इसीलिए इस बिजनेस का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है सर, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बात करें लॉकडाउन हुआ जिस तरीके से, एक तरफ सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए, सबके साथ साथ कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आया वो पैसे का आना जाना रुक गया, आमदनी रुक गई, खर्चे बढ़ते चले गए, इस टाइम में क्या कोई नया पर्सन आपके साथ इस व्यापार में जुड़ सकता है? हाँ, इस टाइम में कोई भी पर्सन फ्रेंचाइजी हम लोग कंपनी का लेकर अपने शहर में चला सकता है। ठीक है, उसके लिए ना ऑफिस लेना है ना स्टोर बनाना है, सिर्फ 2 घंटे मोबाइल से काम करना, केवल 2 घंटे उनको मोबाइल से काम करना है। ठीक है, जस्ट लाइक मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो कुछ करने की इच्छा रखता है, क्या वो आपके साथ इस व्यापार में जुड़ सकता है? हाँ सर, देखिए इस व्यापार में कोई भी पर्सन जुड़ सकता है क्योंकि हम लोग पूरा ट्रेनिंग देते हैं उनको और इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, कोई कितना भी पढ़ा लिखा काम कर सकता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट की बेंचमार्क इंडेक्स है जो कि BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर के रेट में तेजी और मंदी को बताती है। इसके जरिए हम इसमें सूचीबद्ध 30 सबसे बड़ी कंपनी के प्रदर्शन की जानकारी हासिल कर सकते हैं, जबकि निफ्टी में टोटल 50 कंपनी शामिल होती है। निफ्टी वर्ल्ड नेशनल और 50 से मिलकर बना है। भारत में 2 शेयर बाजार हैं, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां से शेयर की खरीदी और बिक्री होती है। एंजल ब्रोकिंग आपको देता है अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके मल्टीपल टाइम प्रॉफिट अर्न करने, जहाँ आपको देखने को मिलता है iTrade प्राइम प्लान जो समझने में बहुत आसान है, साथ में आप इक्विटी ट्रेडिंग भी कर सकते हो 0 ब्रोकरेज फीस पर, साथ में इंट्राडे फ्लैट ₹20 के साथ, और साथ में आपको देखने को मिलता है करेंसीज, कमोडिटीज और भी बहुत सारे एडेड बेनिफिट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ आपको डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करके दिया जाता है, और डीमैट अकाउंट ओपन करना इतना आसान है कि डिटेल फिल करने से अकाउंट ओपन करने तक में मात्र 2 मिनट से भी कम का समय लगता है और हो गया आपका अकाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार। तो देरी किस बात की, लाखों लोगों की तरह आप भी एंजल ब्रोकिंग की बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ जुड़ो, इन्वेस्टमेंट करो और बहुत सारा फायदा उठाओ। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मैं पहले मजदूरी करता था, मेरी आमदनी उतनी नहीं थी, 8,000-10,000 महीने कमाता था, लेकिन वो मेरा रुक गया है, मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ या चीजों की उतनी समझ नहीं है, एक कहते ना कि एक कम से कम पढ़ाई जो होती है उतनी भी नहीं है, क्या उनके लिए ये मौका हो सकता है आपके साथ जुड़ने का? उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है, हमारे कंपनी से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो दिन में कुछ और काम करते हैं और शाम को इसका काम करते हैं, क्योंकि 2 घंटे काम करना होता है। आप जॉब करें, बिजनेस करें, इसको भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक बहुत सारे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे लोग जिनका जो है जॉब वगैरह से फिलहाल छुट्टी मिल चुकी है या
एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ऑनलाइन तो आप जानते हैं इस समय सबसे बड़ी डिमांड है। ठीक है, मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप ये बताओ कि बेसिकली आपका काम क्या है, क्या काम आप देते हो लोगों को? देखिए सर, लॉकडाउन के टाइम में लोग घर बैठे सामान चाहिए उनको, तो हम लोग ऑनलाइन ग्रोसरी वेजिटेबल फ्रूट्स और सर्विसेज सारा प्रोवाइड कराते हैं। अब ये होता है कि कोई पर्सन फ्रेंचाइजी लेता है तो एक शहर में हम लोग एक लोग को फ्रेंचाइजी देते हैं और वहाँ के लोकल वेंडर और सर्विस वाले को हम लोग टाई अप करा देते हैं। ठीक है, एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगा। अगर आपको याद हो आज से कुछ साल पहले जियो आई थी, और जब जियो आई तो जियो के आने से बाकी जितनी टेलीकॉम कंपनी थी बहुत सारी बंद हो गई, बहुत लोग मर्ज हो गए या बहुत लोग बंद होने की कगार पे आ गए। अभी रिलायंस ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि कुछ ही समय के बाद वो एक और धमाकेदार बिजनेस कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, वो है जियो मार्ट। जियो मार्ट के जरिए जस्ट लाइक कि अगर आपको आधे किलो दूध चाहिए, आधे किलो प्याज चाहिए या आपको चीनी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो अब आपको आपके आसपास के दुकान वाले के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। आप एक क्लिक करोगे, जियो मार्ट जियो रिलायंस जियो की कंपनी आपके घर पे आपके बगल वाले दुकान के थ्रू आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचाएगी। मतलब आपका बगल वाला दुकान वाला बोलेगा, भैया ये लो आपने सामान ऑर्डर किया था, और उसी कॉन्सेप्ट पे आज से बहुत टाइम पहले ही ये लोग काम शुरू कर चुके। कहने का मतलब कि जब इतनी बड़ी कंपनी रिलायंस ने देख लिया कि आने वाला समय ऑनलाइन का होने वाला है, तो यार जब ये कंपनी आपको मौका दे रही है घर बैठे लॉकडाउन के टाइम में काम करने का, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट टाइम आपके लिए हो सकता है। देखिए सर, जो जियो मार्ट है, जियो मार्ट में भी इतनी सर्विसेज नहीं है जितना हम लोग में है। हम लोग पूरा सामान प्रोवाइड कराते हैं, उसके साथ साथ सर्विसेज भी। सर्विसेज में क्या क्या रहता है? जैसे पेंटर, प्लम्बर, लॉन्ड्री सर्विस, इलेक्ट्रीशियन, जबकि वो सारी कंपनियां में ऐसे सर्विसेज नहीं है। मतलब अब किसी को इलेक्ट्रीशियन भी चाहिए तो दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो सीधा हम लोग के एप्लीकेशन से वो मंगा सकते हैं, अपने लिए डिमांड कर सकते हैं। ठीक है सर, एक चीज है कि लोगों के मन में ये डाउट होगा कि भैया एक बात बताओ कि जो आलू मेरे घर के बगल में 10 रुपए किलो मिल रहे, एग्जाम्पल के लिए अभी एक्चुअल रेट क्या है उससे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। कस्टमर बोलेगा, भैया 10 रुपए किलो मेरे घर के बगल में आलू मिलता है। अगर आप आलू वाले से कॉन्टेक्ट करवा दोगे मुझे, और सामने वाला बंदा ऑर्डर करेगा एप्लीकेशन में, तो मैं उसको आलू डिलीवरी कराऊंगा, तो उसमें मेरा मार्जिन भी ऐड होगा, तो कस्टमर के लिए तो महंगा पड़ेगा ना? नहीं सर, देखिए जो मार्केट में रेट होता है वही रेट होता है, लेकिन फ्री डिलीवरी होता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, और जो पर्सन फ्रेंचाइजी लेता है उसको कमीशन भी अच्छी मिलती है। अच्छा, इसका प्रोसेस होता है जो हम लोग फ्रेंचाइजी को बताते हैं। ठीक है, सवाल यह है कि अगर कोई फ्रेंचाइजी लेगा तो उसको बेसिकली काम क्या करना होगा, क्या उसका काम है? देखिए सर, जो पर्सन फ्रेंचाइजी लेता है उसका बेसिकली वर्क होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि उस एरिया में जितना भी सेल होता है सबसे पहले पेमेंट उसके पास आता है और वही वहाँ के लोकल वेंडर को सेल करता है। अच्छा, ठीक है। तो और दूसरी चीज की बात करें, जैसे कोई फ्रेंचाइजी लिया आज की डेट में, तो वो डिलीवरी तो खुद कर नहीं सकता, उसके इसमें कैसे होगा? देखिए अदर कंपनियों के डिलीवरी बॉय को हम लोग पार्ट टाइम में इसमें हायर करते हैं, क्योंकि हम लोग का एप्लीकेशन पे डिलीवरी टाइम 9 से 12 सुबह में है, शाम को 4 से 8 है। ठीक, तो कोई भी पर्सन डिलीवरी के लिए इसमें एग्री हो जाते हैं। ठीक है, एग्री हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका जो सैलरी होगा, जो अदर कंपनी के जो डिलीवरी पर्सन रहते हैं उनको आप सैलरी आप दोगे या सामने वाला बंदा? नहीं, फ्रेंचाइजी को पे नहीं करना पड़ता है सैलरी, वो आप खुद पे करोगे। वो हम लोग कंपनी में उससे डिस्कस करती है ऐसा कि उसको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ता, जितना प्रॉफिट होता है उसमें उसका हिस्सेदारी होती है। ठीक है, अब एक सवाल है कि अगर कोई आप शुरू करता है तो कितना पैसा कमाएगा, ये सवाल सबके मन में रहता है। देखिए स्टार्टिंग के एक मंथ बाद वो 15 से 20 हज़ार स्टार्टिंग कमा सकते हैं फ्री। अच्छा, ठीक है। कहने का मतलब हम ये कहें तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर कोई काम करता है तो। सर एक चीज़ और, कि आज की डेट में कितने फ्रेंचाइजी आपके अलग अलग शहर में हैं? देखिए टोटल हम लोग का 12+ स्टेट में फ्रेंचाइजी है। अच्छा, 12 से भी ज्यादा अलग अलग शहर में आपको फ्रेंचाइजी? हाँ, वो सब लॉकडाउन में डिस्ट्रीब्यूट हुए, उससे पहले ओनली यूपी में थे। मतलब लॉकडाउन से पहले यूपी में था, लेकिन लॉकडाउन के बीच में 12 अलग अलग शहर में आपका फ्रेंचाइजी गया? हाँ सर। ठीक है, और दूसरी चीज सर ये बात करें कि कितना दूर तक के एरिया में डिलीवरी करूंगा, कैसे डिलीवरी करूंगा? एक साथ मुझे 5 ऑर्डर आ गए और डिलीवरी पर्सन एक ही है, तो उसके इसमें मैनेजमेंट कैसे होगा? देखिए सर, इसमें डिलीवरी का टाइम होता है, जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसमें टाइम स्लॉट होता है, वो टाइम अपना चूज कर लेता है, और डिलीवरी बॉय को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक सिटी में एक ही पर्सन फ्रेंचाइजी लेता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करा देता है। अच्छा, ठीक है। सर बात करें अपन यहाँ पर, जो फ्रेंचाइजी आपसे लेगा उसको ट्रेनिंग वगैरह देती हो? पूरा काम कंपनी करती है, ट्रेनिंग भी देती है, मार्केटिंग भी करती है, और पूरे दिन में जितने वर्क होते हैं कंपनी हैंडल करती है। ओके, ठीक है। यहाँ पर बात करें अपन, जैसे मान लो कोई 10,000, सर छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे का जुगाड़ करके देंगे आपको, तो क्या वो लोग इंस्टॉलमेंट में इसी को दे सकते हैं? हाँ,
किस तरीके से? सर स्टार्टिंग में वो मतलब 20% पेमेंट करे और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो 80% बच जाएगा वो बाकी वो काम जब स्टार्ट होता है तो मार्केटिंग के लिए तब दिया जाता है उसकी। अच्छा, मतलब अगर आप हमारे थ्रू हमारे चैनल के माध्यम से इनके पास आ रहे हैं तो आपको केवल 10,000 पे करना होगा, उसमें भी 20% मतलब 2,000 देकर आप काम शुरू कर सकते हो, बाकी आपको स्लैब वाइज देना पड़ेगा। सर एक बात, जैसे मान लो कोई बंदा गांव में बैठे बैठे आज आपसे आपका फ्रेंचाइजी लेता है तो उनको पता नहीं कि कितने एरिया मुझे डिलीवरी करना होगा, उसका कैसा सिस्टम रखते हैं? देखिए सर, बड़े शहरों में हम लोग 4 से 5 फ्रेंचाइजी देते हैं और छोटे शहरों में 1 लोग को फ्रेंचाइजी देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जितना ऑर्डर आएगा वो मैनेज करेगा? हाँ, वो मैनेज करेगा। और सर एक बात और है कि मान लो कोई आज फ्रेंचाइजी लिया, एग्जांपल के लिए मान लो कि उत्तर प्रदेश की किसी एक जगह से लिया और मान लो कि वहां पर कोई भी कस्टमर आपका मोबाइल का एप्लीकेशन यूज नहीं करता है, तो उस केस में उनको डिलीवरी कैसे मिलेगी, ऑर्डर कैसे आएंगे? देखिए सर, पहले तो मार्केटिंग हम लोग करते हैं, फ्रेंचाइजी को भी सिखाते हैं, लोकल वेंडर भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए कस्टमर को पता चल जाता है कि ऑर्डर एप्लीकेशन से करना है और वो लोग एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी, ऐसा ऑप्शन है। अच्छा ठीक है, और दूसरी चीज हम बात करें, आपने एक बात करी वेंडर से आप कनेक्ट करवा दोगे, तो वो वेंडर कौन कौन होगा? लोकल वेंडर होते हैं। कौन कौन? जैसे ग्रोसरी, वेजिटेबल, फ्रूट, पतंजलि के आइटम, ब्यूटी केयर, केक्स। मतलब साफ शब्दों में हम ये कहें तो आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर जो बड़े होलसेलर्स हैं, सर आपको डायरेक्टली उनसे टाई अप करवा देंगे, जो चीज मार्केट में 100 रुपए का देखने को मिलता है वहां से आपको सस्ते रेट पर मिल जाएगा और उसको आप बेचोगे 100 रुपए में, तो बीच का जो मार्जिन है पूरा का पूरा कुछ हिस्सा कंपनी का होगा, बाकी सारा का सारा आपको मिलने वाला है। और सर बात करें यहाँ पर कि कमीशन का, जो कमीशन का स्लॉट मान लो कोई भी ऑर्डर की डिलीवरी होती है उस पर कितना कैसे क्या रहता है? देखिए खाने पीने के सामान में 10 से 25% मार्जिन होता है और सर्विसेज में 20 से 25% मार्जिन होता है। 20 से 25% का सर्विस में? हाँ। और मान लो कि कोई इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है कस्टमर और तो उस केस में वो इलेक्ट्रीशियन कितना चार्ज करेगा? जो मार्केट का नॉर्मल रेट होता है वही चार्ज करता है। उसमें 25% रेट लिया जो है सामने फ्रेंचाइजी को मिलता है? हाँ, फ्रेंचाइजी को डायरेक्टली मिल जाता है। ओके, तो गाइस मैंने कोशिश करी है एक शॉर्ट वीडियो के जरिए काफी कुछ बताने की, काफी कुछ समझाने की, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा है। बाकी आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।